वृंदावन। श्री धाम वृंदावन में आना राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं है, यह कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री रघुराज सिंह का। मंगलवार को सहपत्नी वृंदावन पहुंचे श्री सिंह ने सर्वप्रथम ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजन अर्चन कर देश में सुख शांति की कामना की। इसके बाद वह कार्यकर्ताओं के साथ पागल बाबा मंदिर गिरिराज नगर कॉलोनी स्थित श्री वृंदावन अंध विद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे दिव्यांगों को अपने हाथों से प्रसाद खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए श्री सिंह ने कहा कि श्रीधाम वृंदावन में आना राधा रानी की कृपा बिना संभव नहीं है, इसलिए वह राधा रानी के प्राकट्य उत्सव के उपलक्ष्य में वृंदावन आए हैं। बांके बिहारी के दर्शनों के बाद श्री वृंदावन अंध विद्यालय समिति के संस्थापक स्वामी गोविंदानंद की कृपा से उन्हें अपने हाथों से दिव्यांगों को खाना खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए वे महाराष्ट्र का आभार व्यक्त करते हैं। इससे पूर्व श्री सिंह का कार्यकर्ताओं ने पटुका पहनाकर जोशीला स्वागत किया। वृंदावन राधाश्री पर्वत की घूमने छुई, आप भी आज वृंदावन आए हैं, बाकी बैठ के दर्शन किए, कैसा लगा? ऐसा है, राधा रानी के दर्शन और बिहारी जी के दर्शन करके धन्य समझता हूँ। मैं परिवार के साथ आया हूँ और उनका आशीर्वाद जैसे मोबाइल चार्ज होता है इलेक्ट्रिक से, ऐसे हम लोग उनके दर्शन मात्र से चार्ज हो जाते हैं, अगले 15 दिन के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, देश के हित में, प्रदेश के हित में, हिंदू राष्ट्र के हित में। इसलिए मैं उनके दर्शन करने के पश्चात ये अंधमूल जो संस्था है, उनके अंध विद्यालय संस्था के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको भोजन कराने के लिए महाराज जी ने आदेश दिया था, इसलिए मैं उस कार्य से यहाँ आपके मध्य में आया हूँ। उनका भी आशीर्वाद बच्चों का मैं लेके जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि अब विकलांगता है, ईश्वर की कहीं कमी रह गई होगी, तो इसलिए उनको भी हम ससम्मान समाज में स्थान दिलवाएं, ऐसी प्रभु से कामना करता हूँ, ठाकुर जी से, कि सबके सम्मान में मेरा सम्मान है, ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा भाव है, और प्रदेश की तरक्की हो, देश की तरक्की हो, विश्व में हिंदुस्तान का नाम अग्रणी स्थान में नंबर एक पर स्थापित हो, ऐसी प्रभु से कामना की है, और देश में अमन चैन बना रहे और प्रभु की सेवा में मुझे हमेशा अवसर मिलता रहे, मेरे परिवार को और मुझको, और ऐसे विद्यार्थियों की दर्शन करने से भी पुण्य मिलता है, तो उनके भी मैं दर्शन लाभ लेकर पुण्य प्राप्त करके यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करूँगा।